the discussion of the overview of the index number. What is the importance, what is the background, what is the history of the index number? Today we will discuss that how to construct the index numbers. So that is the construction of index numbers. Here there are various methods for constructing index numbers which can be classified as follows. बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन अब आपकी सुविधा के लिए इंडेक्स नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक है ब्रॉडली अनवेटेड और वेटेड इंडेक्स. ओके, अनवेटेड का मतलब क्या होता है? जहां पे सब आइटम्स को इक्वल माना जाता है. वेटेड का मतलब है कि कुछ आइटम्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, यहां पे किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, इक्वल ट्रीटमेंट दी जाती है. अनवेटेड में हमारे पास एक सिंपल एग्रीगेटिव होगा, एक होगा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स. तो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स का मतलब है यहां पे प्राइस रिलेटिव से मतलब है इसका. और ये प्राइस रिलेटिव की टर्म जो है हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी जब स्टैटिस्टिक्स हमने स्टार्ट किया था. वीडियो जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें है ये हमारे पास रिलेटिव्स एब्सोल्यूट और प्राइस रिलेटिव की बात है. उसके बाद है वेटेड है, जहां पे इंपॉर्टेंस है वहां पे भी हमारे पास क्या होगा, यहां सिंपल एग्रीगेटिव है, यहां वेटेड एग्रीगेटिव है. यहां पे वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव है, यहां पे सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव है. सिर्फ इतना सा फर्क है. तो सिंपल की जगह यहां वेटेड लग जाएगा, सिंपल की जगह यहां पे हमारे पास वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव लग जाएगा. राइट, ओके. तो सबसे पहले हम मूव करेंगे कि ये जो अनवेटेड इंडेक्सेस हैं, या तो इंडाइसिस बोल सकते हैं, इंडेक्सेस बोलते हैं. इट इज ऑल्सो रेफर टू एज ए सिंपल इंडेक्स. बिल्कुल हम इसको एक सिंपल इंडेक्स भी मानते हैं. ये एक तरह से ना, अगर मैं बोलूं, दिस इज द मोस्ट एलिमेंट्री टाइप ऑफ द इंडेक्स एंड इट डिस्क्राइब्स द परसेंटेज चेंज इन वन आइटम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. जैसे अभी क्या है, 10 साल के बाद क्या होगा, 10 साल पहले क्या था, परसेंटेज फॉर्म में जो है वो डिस्क्राइब करता है. तो अनवेटेड इंडेक्स का मतलब क्या होता है? ए परसेंट दैट डिस्क्राइब्स वन आइटम्स इन ए गिवन पीरियड विद ए बेस पीरियड. ए परसेंट दैट डिस्क्राइब्स वन आइटम इन ए गिवन पीरियड विद ए बेस पीरियड. राइट, तो गिवन पीरियड आपके, आपको पता है कि गिवन पीरियड का मतलब है, जैसे हम इसको हम पी टी से भी, कई जगह पी एक्स माना जाता है, कई जगह पी वन लिखा जाता है. तो आपकी इच्छा है उसके लिए, आप नहीं होता. तो सबसे पहले हम मूव करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द वेरियस आइटम्स एंड देयर प्राइसेस आर कोटेड इन सेम यूनिट. ये सबसे इम्पोर्टेंट. अगर सारे जितने भी हैं केजी में है तो केजी में है, लीटर्स में है तो लीटर्स में है, नंबर्स है तो नंबर्स में होगा. एंड इक्वल इम्पोर्टेंस इज गिवन टू ऑल द आइटम्स. राइट, मतलब सारे आइटम्स जो है उसको इक्वल ट्रीटमेंट दी जाएगी. उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. द टोटल ऑफ करंट ईयर प्राइसेस फॉर द वेरियस कमोडिटीज इज डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ द बेस ईयर प्राइसेस एंड द कोशेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 100. ये मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूं. टोटल ऑफ द करंट ईयर प्राइसेस फॉर द वेरियस कमोडिटीज इज डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ द बेस ईयर प्राइस. आपको पता है बेस ईयर प्राइस जो है रेफर प्राइस, इसको हम जनरली 100 मानते हैं. दैट इज, अब इसी को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो तो कैसे करूंगा? ये देखिए, ये मेरे पास आ गया P01. ठीक है, तो इंडेक्स नंबर प्राइस विच इज इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0. अब सिग्मा P1 का मतलब है टोटल ऑफ द करंट ईयर प्राइसेस, P1 का मतलब था करंट ईयर प्राइसेस. जब मैं 0 लिखता हूं यहां पर साइड है, तो 0 नीचे और ये 1 ऊपर. टोटल ऑफ करंट ईयर प्राइसेस फॉर वेरियस कमोडिटीज, करंट ईयर, और P0 का मतलब होता है टोटल ऑफ बेस ईयर प्राइस फॉर द वेरियस कमोडिटीज. तो ये आ गया मेरा करंट ईयर प्राइस P1, और ये आ गया मेरा बेस ईयर का प्राइस. तो अब क्लियर हो गया जी, टोटल ऑफ द करंट ईयर प्राइसेस फॉर द वेरियस कमोडिटी इज डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ बेस ईयर प्राइसेस एंड द कोशेंट इज मल्टीप्लाई बाय 100, येलो, एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100. राइट, अच्छा, अब उसके बाद जो है लेट अस बिल्ड अप ए कॉन्फिडेंस. इसको अप्लाई करते हैं, फिर आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी. मान लो ये कमोडिटी है एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, जेड कमोडिटी, ए कमोडिटी है. 2020 में इसका जो प्राइस है इन रुपीज, दैट इज 1, 2, 3, 4. मैंने ये सिंबॉलिक रखा है कि
हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े और कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो, इसलिए। और 2021 में जो प्राइस है वो है ₹5, ₹4, ₹3 और ₹2 कमोडिटी, चाहे आप इसको केजी में ले लीजिएगा, वट एवर इट इज, ये केजी के रेट ले लीजिए। एक्स भी केजी में, वाई भी केजी में, जेड भी केजी में, ए भी केजी में है, सारी कमोडिटी सेम है। कहते कंप्यूट एन इंडेक्स फॉर द ईयर 2021 टेकिंग 2020 एज बेस बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, राइट। ओके, तो मैं पहले हेडिंग क्या दिया, कमोडिटी, और इसमें एक्स, वाई, जेड और ए। अब मेरा ये 2020 देखो यहां पे लिखा है कंप्यूट द इंडेक्स फॉर द 2021, तो ये मेरे पास आ गया गिवन पीरियड, सिलेक्टेड पीरियड। तो 2021 को मैं क्या बोलूंगा, P1, बेस ईयर टेकन 2020 बेस ईयर, उसको मैं क्या बोलूंगा, P0, ठीक है जी। आज आपको P0 और P1 की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। तो अब X को कन्वर्ट कर दिया मैंने इसमें P0, 1, 2, 3 और 4, और ये गिवन पीरियड वो आ गया मेरा 5, 4, 3 और 2। अब टोटल इसका आ गया, जिसको मैंने सिग्मा P0 बोल दिया, दैट इज 10, और टोटल ऑफ द सिग्मा P1 इज इक्वल टू 14, यानी कि करंट ईयर प्राइसेस एंड द बेस ईयर प्राइसेस का टोटल ले लिया मैंने, और ये भी मेरा यही है। तो क्या हो गया, प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहां पे ये 14 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 140। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज ए 40% इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द फोर कमोडिटीज फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2020 टू 2021, 40% इंक्रीज है। अब लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो ये जो है ओवरऑल, अगर यहां देखूं, मैं बाद में इसकी बात करूंगा कि कैसे इलॉजिकल है। P0 जो है 1, 5 बन गया, 2 का 4 यहां कम हुआ, जबकि ओवरऑल क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इसकी बात मैं थोड़ा सा बाद में करूंगा, पहले आपको कंसेप्ट तो समझा दूं, तब जाकर के इसकी जो है वो रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसकी बात करूंगा। तो एक मेरा ये कॉन्फिडेंस हमने आपका बिल्ड करने की कोशिश करी है। एक और जो है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, ये देखिए यहां पे है द प्राइसेस ऑफ टायर, ठीक है जी, फॉर सिलेक्टेड ईयर्स इज गिवन इन टेबल, कन्वर्ट द प्राइसेस ऑफ ईच ईयर टू एन इंडेक्स यूजिंग ए 2015 एज द बेस पीरियड, 2018 एज द बेस पीरियड एंड टेकिंग 2015 टू 2017 एज द बेस पीरियड। सर ऐसा भी हो सकता है कि ये 15 से 17 तक का बेस पीरियड लेकर के, बस यही बात आपको आज हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब वहां पे हमारे पास कमोडिटीज थी, अब हमारे पास यहां ईयर्स आ गए। तो ईयर है मेरा 2015, 2016, 17, 18 एंड 19। प्राइस ऑफ द टायर इन रुपीज 2015 में 20, 25, 30, 45 और 63। ओके, तो पहले मुझे ए क्या दे रखा है, ये ए की कैलकुलेशन करते, 2015 एज द बेस पीरियड, ठीक है। तो बेस ईयर मेरा कितना हो गया 2015, तो 2015 बेस ईयर हो तो उसको हम क्या मान लेते हैं, 100। अब 2016 में, अब अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि जो बेस पीरियड है वो नीचे आ गया और रेफर पीरियड यहां आ गया करंट ईयर, तो 25 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 125। अब यहां पे आ गया तो 30 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, 45 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 और 63 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 315। कोई बात नहीं, बाद में बात करता हूं इसकी, 315 के इंटरप्रिटेशन में बाद में करूंगा, पहले आप लर्न करिए, सीखिए कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो 15 को हम रेफर्ड पीरियड मान रहे थे, इसलिए इसको हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। अच्छा, अब दूसरी बात है कि 2018 एज ए बेस पीरियड, ओके, तो मैंने क्या लिख दिया जी, बेस ईयर 2018, 100 इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, तो मैं 18 को क्या करूंगा जी, 100 मानूंगा, ये लो जी 100। अब 100 को इसका मतलब कैसे आ जाएगा कि जी 45 ही बेस ईयर है, बेस ईयर भी कितना है 45, करंट ईयर का प्राइस भी कितना है 45 और मल्टीप्लाइड बाय 100, इसलिए नहीं मैंने यहां सीधा 100 माना था, लेकिन यहां पे मैंने इसको मान लिया, तो इसको मैंने 100 बेस ईयर मान लिया। अब इसके रेफरेंस में हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर बनाएंगे, तो लो जी बेस ईयर कितना है जी 18, 45, करंट ईयर कितना है 20,
ये देखो 15, तो 20 डिवाइड बाय 45 इंटू 100 इज इक्वल टू 44.444। उसके बाद 25 डिवाइडेड बाय कितना है जी, 45 है ये, इंटू 100 विच इज इक्वल टू 55.56। 30 डिवाइड बाय 45 इंटू 100, सो ऑन सो फोर्थ, और ये 45, और ये 63 डिवाइड 45 इंटू 100 इज इक्वल टू 140। तो इस तरह से क्या है कि अब अगर मैं इस पॉइंट को बेस ईयर इसको मानूंगा तो नेचुरली पीछे वाले अमाउंट क्या है, लेस हो रहे हैं, और ये आगे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इस रेफरेंस से, अगर इस रेफरेंस से देखूं तो इंक्रीज हो रहे हैं। ओके अच्छा, अब उसके बाद है सी है, टेकिंग 2015 टू 17 एज द बेस पीरियड, राइट। अब 15 टू 17 अगर आपने बेस पीरियड लेना है तो सर 15 टू 17 का क्या करेंगे, बता देता हूं। जब 15 टू 17 हो तो सिलेक्टेड एज ए बेस पीरियड द अर्थमेटिक मीन ऑफ थ्री प्राइसेस वुड बी रिप्रेजेंटेटिव प्राइस। तीनों का हम मीन निकाल करके वो जो भी प्राइस आएगा दैट वुड बी द रिप्रेजेंटेटिव प्राइस, राइट। सो द एवरेज प्राइस ऑफ 2015, 16 एंड 17 इज इक्वल टू, अब देखो 15 का कितना है 20, 16 का कितना है 25 और 17 का कितना है 30, टोटल हो गया मेरा 75 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 25। ये प्राइस आपका क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव प्राइस। क्लियर है जी बात यहां पे? ओके, तो अब मैं ये नहीं देखूंगा कि क्या है, तो इंडेक्स नंबर अब 2015 टू 17 इज इक्वल टू 100 माना जाएगा, लेकिन अब 100 किसको माना जाएगा वो हमने अब कैलकुलेट कर लिया। तो अब यहां पे प्राइस कितना है 20, और रिप्रेजेंटेटिव प्राइस जिसका हम अब बेस प्राइस हो क्या कितना हो गया जी 25 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये वाला 25 है, 16 का 25 मत ले लेना कहीं। उसके बाद है 25 डिवाइड 25 इंटू 100। अब आप बोलेंगे जी 100 यहां आ गया जी इसलिए बेस ईयर 16 आ गया, ऐसा नहीं है। हमने तीनों को अब एवरेज निकाल करके जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो लिया हमने, ये तो कोइंसिडेंस है कि ये इसके साथ मैच कर गया। उसके बाद है 30 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 120। उसके बाद है 45 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 इज इक्वल टू 180, और 63 डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू 252। ठीक है अच्छा, अब मैं एक फिगर ले लेता हूं कि अब 315 अगर किसको समझाना हो तो इसका क्या मतलब हुआ। सर इंटरप्रेटिंग वन कुड से दैट द प्राइस ऑफ द टायर इंक्रीज्ड 215%, 215% इंक्रीज हो गया बेस पीरियड से। तो बेस पीरियड क्या है मेरा 2015, यानी कि मैं बोलूंगा कि 2015 से लेकर के 2019 तक टायर की जो कीमतें हैं वो 215% बढ़ गई हैं, क्योंकि 315 माइनस 100 जो है हमारा बेस ही, और विच इज इक्वल टू 215। उसी तरह से अगर मैं यहां बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि जी इन कंपेरिजन टू 2018 द प्राइसिस आर इंक्रीज दैट इज अ 40%। और अगर मैं यहां पे ये यहां बोलूं तो यहां पे फिर मैं 15 से 17 का जो बेस ईयर मान करके अगर आप बोले तो जी ये आपके पास 152% इंक्रीज यहां पे हुई है। ठीक है जी, अब मैंने दोनों तरह से बताया आपको कि कैसे कैसे आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास जो पहला मेथड था वो था सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। तो ये हमारे पास, अब हमने पहले कैलकुलेट कर दिया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपको कमोडिटीज दे रखी हैं तो कमोडिटीज में कैसे कैलकुलेशन करनी है, और अगर आपके पास डिफरेंट ईयर्स दे रखे हैं तो इंडेक्स नंबर आपने कैसे बनाना है। अब दूसरा मेथड है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। ठीक है जी, तो आइए जी, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है, प्राइस रिलेटिव्स, और प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या होता है जी, परसेंटेज ऑफ, रेशियो में, रेशियो में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो रेशियो तभी कैलकुलेट होती है सर जब एक से ज्यादा दो आइटम्स होती हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए वो किसके थे सर, वो तो एब्सोल्यूट प्राइसेस के थे। अब यहां पे है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में, प्राइस इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। अब ये प्राइस रिलेटिव क्या होता है, ये देखो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बोली, प्राइस रिलेटिव का मतलब होता है, प्राइस रिलेटिव इज द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ ए सिंगल कमोडिटी इन ए गिवन पीरियड टू इट्स प्राइस इन बेस पीरियड, रेशियो। तो रेशियो तो हम सब डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल वही सही बात है। अच्छा, क्योंकि साथ में वर्ड क्या है, सिंपल, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो पहले मेरे पास प्राइस रिलेटिव आएगा, उसका मैं सिंपल एवरेज कैलकुलेट करूंगा, तब मेरे पास इंडेक्स नंबर आएगा। तो रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे सर एक्स डिवाइडेड बाई वाई,
ठीक है। अब x इज वन है तो ये टू है, तो वन इज टू टू रेशियो मेरे पास आ जाती है, ठीक है। ये मेरा प्राइस रिलेटिव आते हैं, तो क्या है जी, प्राइस इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस रिलेटिव। क्या होता है प्राइस रिलेटिव, मैंने आपको बताया, आगे फिर बताऊंगा। एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट प्राइसेस। अभी हमने देखा कि एब्सोल्यूट प्राइसेस हमने लिए, उसके बेस के ऊपर कैलकुलेशन करी, वो नहीं होगा। सो प्राइस इंडेक्स इज ऑब्टेन्ड बाई टेकिंग द एवरेज ऑफ ऑल प्राइस रिलेटिव। बिल्कुल सर, यही हमने बात करी थी। अब जो एवरेज है वो आपकी मर्जी है, क्योंकि एवरेज आप क्या ले सकते हैं, मीन भी ले सकते हैं, मीडियम भी ले सकते हैं, मोड भी ले सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी ले सकते हैं, हार्मोनिक मीन भी ले सकते हैं, और ये आपने पढ़े हुए हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़े हैं तो वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के वीडियो में जाकर के ये देख सकता है कि इनकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती है, क्योंकि उसी का रेफरेंस आएगा अब यहां पे। अच्छा, अब मैं आपको पहले प्राइस रिलेटिव की बात कर लेता हूं। प्राइस रिलेटिव मैंने कहा इज द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ ए सिंगल कमोडिटी इन ए गिवन पीरियड टू इट्स प्राइस इन बेस पीरियड। अब जैसे प्राइस रिलेटिव लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू पीटी, पीटी का मतलब गिवन पीरियड, यहां पी एक्स भी लिख सकते हैं, पी वन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, पी जीरो हो गया बेस पीरियड। अब देखो पीटी और पी जीरो इंटू 100 बन गई रेशियो यहां पे, तो पीटी क्या हो गया गिवन पीरियड, ये देखो, और सिंगल कमोडिटी इन ए गिवन पीरियड टू इट्स प्राइस इन बेस पीरियड। लो जी, इसकी इंटरप्रिटेशन मैंने आपको ऐसे कर दी, तो ये क्या बन गया मेरा बेस पीरियड P0, और PT मेरा गिवन पीरियड बन गया मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइस रिलेटिव बोल देंगे। अब बात समझ आएगी जी, प्राइस रिलेटिव। ओके, प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे और उसका फिर सिंपल एवरेज ये समझ लीजिएगा। ये देखिए लिखा है ना, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, तो पहले प्राइस रिलेटिव आएगा फिर उसका सिंपल एवरेज, और एवरेज के लिए किसका, ये तो ये थ्योरी अब आप समझ आ गई है, तो हम फार्मूला खुद बना सकते हैं। अच्छा, खुद भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए अब आपने सबसे पहले कैसे कैलकुलेशन करनी है, तो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं इजीली, लेबोरेटरी है, अब आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने कहा कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव्स, लो जी, तो पी जीरो वन इज इक्वल टू पी वन डिवाइड बाई पी जीरो। मैंने बताया था पी टी की जगह पी वन भी होता है, पी वन का मतलब करंट ईयर, पी जीरो का मतलब बेस ईयर। ओके जी, हमने बना लिया। फिर हमने बोला कैलकुलेट टोटल ऑफ द प्राइस रिलेटिव, तो टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या होगा, सिग्मा पी वन डिवाइड बाई पी जीरो इंटू 100। ये देखो इसका टोटल कर लेंगे। ओके, अब टोटल करने के बाद फिर हम क्या बोलेंगे थर्ड, कि कैलकुलेट द एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, क्योंकि एवरेज कैलकुलेट करने के लिए मुझे टोटल चाहिए था ना। ओके, तो मैं पी जीरो वन इज इक्वल टू क्या करूंगा, सिग्मा पी वन पी जीरो इंटू 100, ये आ गया, डिवाइडेड बाई एन। ये किसके लिए होगा सर, अर्थमेटिक मीन के लिए। अगर आपने अर्थमेटिक मीन लगाना है तो उसको एन से डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर ज्योमेट्रिक मीन है, वो तो सर हमने ज्योमेट्रिक मीन में पढ़ा हुआ है, तो ज्योमेट्रिक मीन में हम किससे कैलकुलेट करते हैं, लॉग से करते हैं। तो पी जीरो वन किसके बराबर होता है, लॉग पी जीरो वन इज इक्वल टू सिग्मा, अभी किसका लॉग देखेंगे, इसका सर, लॉग पी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो इंटू 100 डिवाइडेड बाई एन। सर अगर अब मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये जो लॉग पी वन पी जीरो इंटू 100 होता है ना, ये लॉग ये पी के बराबर भी होता है, दिस इज इक्वल टू पी पी वन। ये देखो मैं पी पी किसके, पी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो इंटू 100 किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है। तो इसलिए क्या बन गया मेरा, तो इसको मैं कैसे लिखता हूं, सिग्मा ऐसे आ गया, लॉग ऐसे आ गया, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह क्यों ना पी लिख दिया जाए, तो ठीक है, सिग्मा लॉग पी डिवाइडेड बाई एन आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, क्योंकि अब यहां लॉग है तो लॉग को कैंसिल करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, जब लॉग को कैंसिल करना हो तो इधर जो है वो क्या बन जाता है, एंटी लॉग बन जाता है, क्योंकि मुझे तो पी जीरो वन चाहिए ना, लॉग नहीं चाहिए, तो इसको मैंने कैंसिल करने के लिए क्या कर दिया, फिर मैंने एंटी लॉग कर दिया। तो एंटी लॉग बीच में क्या डाल दिया, ये सिग्मा लॉग पी वन पी जीरो इंटू 100 डिवाइड बाई एन, या अभी आपको बताया मैंने कि क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, ये किसके बराबर हो गया, ये किसके बराबर होता है सर, ये तो पी के बराबर होता है, अगर पी के बराबर है तो क्या बन गया, सिग्मा लॉग पी डिवाइड बाई एन, ये छोटा फार्मूला बन गया, बन गया जी फार्मूला। मैंने बताया ना आपको, अगर थ्योरी पता हो, देखो थ्योरी सिंपल है, कहता सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, पहले कैलकुलेट करो प्राइस रिलेटिव, फिर उसका टोटल करो, टोटल करके उसका अगर अर्थमेटिक मीन है तो एन से कैलकुलेट करो, अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो लॉग से करो, मीडियन है तो उसके अकॉर्डिंगली करो, जैसे भी आपको जो आपको सूट करता है वो करिएगा। सर पहले आप इसको हमें इसकी एप्लीकेशन बताओ, तो चलिए आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। ये देखिए जी, अब आपके पास ये कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा
कंप्यूट एन इंडेक्स फॉर द ईयर 2020 टेकिंग 2019 एज बेस बाय सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूजिंग अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। वैसे मोस्टली जो है वो ज्योमेट्रिक मीन को बेस्ट माना गया है इसमें, वैसे बता रहा हूं, लेकिन आपकी इच्छा है जैसे भी आपकी कैलकुलेशन करनी। क्या है कमोडिटी है ए बी सी डी, मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कराऊंगा इसकी, मैंने अभी ए बी सी डी बताया है। और प्राइस है आपके पास 2019 का, सिंबॉलिक है 1, 2, 3 एंड 4, वो सेम ले लिया मैंने। प्राइस ऑफ 2020 है 5, 4, 3 एंड 2, ठीक है ये दे दिया। और आपको बोला कैलकुलेट करो अर्थमेटिक मीन से भी और ज्योमेट्रिक मीन से। तो ठीक है जी, मैं पहला वर्ड लेता हूं। तो हमने आपको क्या पहला स्टेप बताया था, तो हमने लिखा इंडेक्स नंबर टेकिंग 2019 एज बेस बाय सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूजिंग अर्थमेटिक मीन। ठीक है जी, कमोडिटी आ गई ए बी सी एंड डी। तो मैंने 19 को क्या वो लिख दिया जी, बेस ईयर पी जीरो, और करंट ईयर को 2020 को क्या लिख दिया पी वन, राइट। अभी हमने सीखा कि प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना है, पहला स्टेप यही था। तो प्राइस रिलेटिव पी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो इंटू 100, ठीक है जी यही फार्मूला पढ़ा हमने। तो ए की कमोडिटी कितनी है 1, ये 5, देखो अब क्या होगा, पी वन कितना है 5, पी जीरो कितना 1, पी डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 500। इधर आ जाइए 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, 2 से ये कट गया 2, तो कितना हो गया 200। 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 100, क्योंकि 3 से 3 कट गया। उसके बाद है मेरा 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 50, ठीक है जी। और ये मेरे पास क्या आ गया, 50 आ गया। अब पी जीरो का अगर मैं टोटल करूं तो सिग्मा पी जीरो का टोटल 10 होगा, सिग्मा पी वन इज इक्वल टू 14, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे किसका टोटल चाहिए होता है, टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव का मतलब सिग्मा पी वन पी जीरो इंटू 100 चाहिए होता है, ठीक है। तो ये आ गया 500 प्लस 200 7 8 850। और अब मेरा प्राइस इंडेक्स नंबर अर्थमेटिक मीन में मैंने क्या पढ़ा सर, ये पढ़ा कि सिग्मा पी वन पी जीरो इंटू 100 डिवाइडेड बाई एन करते हैं अर्थमेटिक मीन में, बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या किया, इसी का सम ये लिखा है 850 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 212.5। तो इसका मतलब कमोडिटी के प्राइसेस जो हैं एज पर द प्राइस रिलेटिव मेथड जो हैं वो 112.5% इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। ये आ गया जी आपका अर्थमेटिक मीन। ओके आ जाइए अब हम इसको, इस क्वेश्चन को किसके थ्रू करें, ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू करते हैं। ओके तो ज्योमेट्रिक मीन में आपको हमने जब क्लासेस चल रही थी तो लॉग टेबल की बातें भी हमसे आपने करी थी, और आपने लॉग टेबल 10th में भी पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन की बातें कर रहे थे। इंडेक्स नंबर टेकिंग 2019 एज बेस बाय सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, तो वही सेम मैंने ले लिया ए बी सी एंड डी। पी जीरो वही 1, 2, 3, 4, पी वन ले लिया 5, 4, 3, 2, और प्राइस रिलेटिव को हम पी भी लिखते हैं भैया, अभी तो सीखा हमने पी, बिल्कुल सर अभी सीखा हमने। तो क्या होता है प्राइस रिलेटिव, पी वन डिवाइड बाई पी जीरो इंटू 100, यहां तो सीखा भी आपने, ये देखो पी किसके बराबर होता है, पी इज इक्वल टू पी वन डिवाइड बाई पी जीरो इंटू 100 होता है ना प्राइस रिलेटिव, पी से सिग्निफाई करते हैं उसको। तो पी वन डिवाइड बाई पी जीरो 100, ये सारी कैलकुलेशन मैंने ऊपर बताई अभी आपको, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, 511 सेम है, तो इसलिए 5 डिवाइड बाई 1 इंटू 100 500। उसके बाद 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 200, 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 100, और उसके बाद मेरा 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 50, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या किया, लॉग टेबल है 3, तो अब मेरे पास क्या आ गया 2, क्योंकि एक आपकी वैल्यू जो है कम हो जाएगी। अब 50 के सामने 0 के नीचे लिखेंगे, और 0 के डिफरेंस कॉलम में आपके पास क्या आ रहा है 699, तो मेरा बन गया 2.699। यहां भी 3 डिजिट्स हैं, 2 बन गए 2, अब मैं क्या लिखूंगा 220 के सामने 0 के नीचे 301, ठीक है। अब आप देखेंगे लॉक टेबल, मैंने तो देख लिया, और अब बुक फॉर्म में मैं बुक दिखा नहीं पा रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे भी देखना होता है। तो 100 के केस में क्या होगा, ये 3 है तो ये 2 आ गया, 10 के नीचे 0 के नीचे 2 ही है मेरे पास, ठीक है जी। उसके बाद मेरा 50 है तो 50 में एक डिजिट रह गया 1, तो हम क्या देखेंगे
दोबारा से किसके सामने देखेंगे, 50 के नीचे देखेंगे और जीरो के नीचे देखेंगे, ये देखो तो वही हो गया 0.699, बस इतना सा फर्क हो गया। तो अब इसका अगर मैं टोटल करूं तो मेरे पास ये क्या आ गई, ये वाली वैल्यू, तो ये क्या बन गई मेरी पी की, मैंने लॉग वैल्यू देखी तो बन गया सिग्मा लॉग पी आ गया, विच इज 8.699। और एन कितना है मेरा, 4 है, क्योंकि 4 कमोडिटीज हैं। सर प्राइस इंडेक्स नंबर इसमें हमने अभी पढ़ा कि जी एंटी लॉग सिग्मा लॉग पी डिवाइडेड बाय एन होता है, और वो हमने सर खुद क्रिएट किया है फार्मूला, कोई रट्टा नहीं मारा है, रट्टा मारो जिंदाबाद नहीं है। तो इसका मतलब है कि प्राइस रिलेटिव जो है मेरा किसके बराबर होगा, एंटी लॉग सिग्मा लॉग पी डिवाइडेड बाय एन। तो एंटी लॉग 8.7 आ गया सिग्मा लॉग पी, ये 6.99 को हमने राउंड में कर दिया 0.7 डिवाइडेड बाई 4, विच इज इक्वल टू 2.174। अब आप कहां जाएंगे, लॉग टेबल के एंटी लॉग टेबल में जाएंगे, और एंटी लॉग टेबल में जाकर के अब आप वहां पे 17 के सामने 4 के नीचे 8 के डिफरेंस कॉलम में जब आपने देखा तो वहां आपको नजर आया क्या, नजर आया आपको नजर आया 1496, ठीक है। लेकिन अब यहां पे मेरे पास क्या है, 2 है, तो 1 ऐड करके उसके आगे जो है आपका पॉइंट लगेगा, तो इसलिए अब देखो 1496 आएगा। लेकिन अब वहां पॉइंट किस में लगेगा, अगर यहां 3 होता तो मैं 4 के, अगर 1 होता तो मैं ये 2 के आगे लगाता, क्योंकि जब हम यहां कैलकुलेशन करते हैं तो एक कम करते हैं, जब एंटी देखेंगे तो बढ़ाएंगे, इसलिए ये 1499.6 आ गया। इसका मतलब 149.6% ज्योमेट्रिक मीन बोलता है 49.6% इंक्रीज हुई है, ठीक है जी। तो इसी तरह से अब हमारे पास क्या है कि ये जो कैलकुलेशंस हम करते हैं, अभी आपको ये बताया कि मैंने ये जो इंडेक्स नंबर है इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उस कंस्ट्रक्शन में हमने कौन सा पढ़ा, अनवेटेड में सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड पढ़ा। तो ये वेटेड क्या है, हाँ अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन आ गई, अब मैं इसका लॉजिक बताता हूं, इसकी रीजनिंग बताता हूं, फिर आपको ये समझ आएगा कि ये कहता क्या है। देखिए ये है आपके पास, कहता कंप्यूटेशन ऑफ एन इंडेक्स ऑफ फूड प्राइसेस फॉर 2020 यूजिंग ए सिंपल अनवेटेड मेथड। मैंने अब दोनों में से वैसे ले लिया अनवेटेड मेथड, जो स्टार्टिंग वाला भी मैंने डिफरेंट कमोडिटीज वाला मेथड, ठीक है। अब आपको मैंने इसका अब रियल लाइफ में बताना है क्या है यूज है। अब ये मेरी कमोडिटी है, ये मेरे 2005 के प्राइसेस हैं और ये मेरे 2020 के प्राइसेस हैं, दे रखे हैं। अच्छा ये मैंने मिल्क है, क्योंकि जब अब आप एक आम आदमी जो है अपने खाने में क्या लेता है वो मैंने बातें करी हैं एक आम आदमी की। सर वो दूध लेगा, ठीक है, उसके जो दूध के प्राइसेस हैं वो एक तरह से 0.64 पर केजी ले लिया मैंने, ठीक है, अब 64 रुपीज पर केजी बोल लो या जो भी कहना है वो कह लीजिए। अच्छा अब 2020 में उसके जो प्राइसेस है वो हो गए 0.61। ब्रेड का टुकड़ा जो है वो 0.65 था और ये हो गया 0.59। और एप्पल जो है वो एक सेब 0.50 था, जो अब क्या कितना हो गया 1.00। अब हमने इंडेक्स नंबर निकाला तो क्या किया, ये P0 मान लिया मैंने, ये इसको P1 मान लिया, ठीक है जी, P0 P1 लगा दिया, क्योंकि अब आपको पता है कि ये मैं P0 P1 किसके लिए यूज करता हूं, अब आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं। तभी मैंने ये रियल लाइफ की जो पोजीशन है सिचुएशन है वो आगे के लिए इसीलिए रखी थी, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ जी, ये मेरा सिग्मा P0 आ गया और ये मेरा सिग्मा P1 आ गया, टोटल हो गया, जैसे अभी हम करते थे किसके में कर रहे थे सर, ABCD वाले में कर रहे थे, ठीक है। इंडेक्स ऑफ द प्राइस जिसको मैंने पी बोला किसके बराबर होता है जी, सर अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक में जो है वो यही चीज पढ़ी है, ये पढ़ी आपने कहां पढ़ी, ये पढ़ी P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 to 100, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की बात की मैंने, ओके वही मैंने मेथड लगाया, तो P इज इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 100। सिग्मा P1 किसके बराबर है 2.20 और P0 किसके बराबर है 1.79 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 122.9, इसका मतलब है कि 22.9% से जो है वो इंक्रीज हो गए प्राइसेस,
ओके, अगर प्राइसेस इंक्रीज हुए तो अब देखते हैं कि प्राइसेस इंक्रीज हुए। देखो जी, मिल्क का प्राइस तो कम हुआ, ब्रेड का प्राइस भी कम हुआ और एप्पल का प्राइस बढ़ा। तो क्या लग रहा है आपको? सर मुझे तो ये लगता है कि द अनवेटेड प्राइस इंडेक्स ऑफ 122.9 सीम्स इलॉजिकल। अब इलॉजिकल क्यों लग रहा है? क्योंकि अब मुझे ये बताना आपने कि इसमें से आप रूटीन में क्या कौन से प्रोडक्ट्स लेते हैं। दूध और रोटी तो लेंगे, लेकिन फ्रूट कभी कभी ले लेते हैं, कम लेते हैं, बहुत कम लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इलॉजिकल क्यों लग रहा है? बिकॉज द टू मेजर फूड आइटम्स डिक्लाइंड इन प्राइस। देखो प्राइस गिरा ना इसका, ओनली द प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीज्ड, और एप्पल का प्राइस डबल हो गया है यहां। एंड एप्पल्स आर ईटन ओनली इनफ्रिक्वेंटली, कभी कभार हम खा लेते हैं बाय मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। हम इतने अमीर तो नहीं है कि जी हर टाइम जो है आपको फ्रूट जो है वो फूड के साथ चाहिए। मेरी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो अलाउ नहीं करती है। मैं तो इसको इंडिया की पॉपुलेशन के साथ इस प्रॉब्लम को लेके आ रहा हूं, रियल लाइफ की प्रॉब्लम लेके आ रहा हूं। आप ही देख लेना कि आप फ्रूट जो है वो क्या इनफ्रिक्वेंटली खा लेते हैं। ठीक है, तो इट सीम्स देयरफॉर दैट द प्राइसेस ऑफ द ब्रेड एंड मिल्क शुड बी गिवन मोर वेटेज। अब देखो यहां प्राइस बढ़ रहा है सिर्फ एक का, जिसको हम बहुत कम खाते हैं, जबकि इन दोनों को जो है हम इसके बिना हम रह नहीं पाते, उसकी प्राइसेस गिरे हैं। और आप बोल रहे हैं कि जी प्राइसेस के जो इंडेक्स बोलता है कि जी प्राइसेस तो बढ़ गए हैं, तो बताओ लॉजिकल हुआ या इलॉजिकल? सर इलॉजिकल हुआ। इसका मतलब जो अनवेटेड प्राइस इंडेक्स है वो इस सिचुएशन में इलॉजिकल हुआ कि नहीं हुआ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये है कि हमें मिल्क और ब्रेड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, एप्पल को कम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। आगे ना आप लाइन पे। सो इट सीम्स देयरफॉर द प्राइस ऑफ ब्रेड एंड मिल्क शुड बी गिवन मोर वेट, वेट का मतलब इंपॉर्टेंस, देन द प्राइस ऑफ द एप्पल। प्राइस एप्पल के प्राइस को हमें कम इंपॉर्टेंस देनी है, दोनों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। वैसे ही तो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में देना पड़ता है कि किस आइटम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किस आइटम को कम देनी है, कौन सा टेस्ट ज्यादा है, कौन सा टेस्ट नहीं है, जब बास्केट आती है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहां पे ये केजी में है, ये लोफ में है और ये ईच वर्ड में है। तो दीज आइटम्स आर कोटेड इन डिफरेंट यूनिट्स। अब अगर मान लो यह केजी है, मैंने एक एप्पल लिया, अगर कहीं मैं एक बॉक्स ले लूं तब तो इसकी हालत खराब हो जाएगी, तब तो आपका इंडेक्स नंबर तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। ब्रेड मैंने सिर्फ एक टुकड़ा लिया है, अगर मैं पूरी ब्रेड की बात कर लूं तो अलग हो जाएगा। मिल्क मैंने सिर्फ केजी में ले रखा है, तो इसका मतलब है ये केजी है, लूफ है, ईच है, इसका मतलब क्या हुआ? आइटम्स आर कोटेड इन द डिफरेंट यूनिट्स है। सो ये दो रीजन, सो बिकॉज ऑफ दीज इन एडिक्वेसीज द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड इज सेल्डम यूज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। बहुत कम इसका यूज किया जाता है। तो सर फिर इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको मैंने ये बता दिया कि इस मेथड की कमी क्या है। जब मेथड की कमी है तभी हम किसकी तरफ को जाएंगे? वेटेड, जहां पे हम आइटम्स को इंपॉर्टेंस देंगे। वेट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा? वेटेड के ऊपर होगा। तो इसमें जो कमी थी, तो अब बताओ, मैंने इससे पहले आपको रियल लाइफ की पोजीशन नहीं बताई, मैं कमोडिटी क्या बताता रहा, एक्स वाई जेड ए बता रहा था, क्योंकि मेरा फोकस किसके ऊपर था? इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन के ऊपर था, ना कि आपको कंफ्यूज करना था। अब क्या है कि जब आपको ये लर्न हो गया, ये पता लग गया कि अच्छा कंस्ट्रक्शन क्या होती है, तो इसलिए फिर मैं कहां आ गया आपके पास कि इसकी कमी बताने आ गया कि इसकी क्या रियल है। जब किसी चीज में कमी होती है तभी कोई नई चीज आती है कि नहीं आती है? हाँ, अगर नहीं आती है तो इसीलिए मेरे पास क्या आएगी फिर? वेटेड। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर क्या किसके ऊपर होगा? वेटेड इंडेक्स नंबर के ऊपर होगा, जहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी रेलेवेंस क्या है, क्योंकि हमें रियल लाइफ में एक्चुअल प्रैक्टिस में इसकी एप्लीकेशन करनी है। तो वेटेड के लिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा।